अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे सेंग यानी कि ग्राउंडनट की चटनी। बहुत टेस्टी होती है ये, और इसे हम प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं एयरटाइट कंटेनर में हम हफ्तों का महीनों का। ये जो चटनी हम बनाएंगे ये हम 20 दिन तक के डब्बे में भर के रख सकते हैं। बहुत आसानी से बनता है, बहुत कम चीज़ों में बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कच्ची सेंग यानी कि ग्राउंडनट, ये 250 ग्राम है। इसे हम रोस्ट कर लेंगे। इसे हम ऐसे ही भूनेंगे फ्राई पैन में। 3 से 4 मिनट लगेगा हमें इसे अच्छे से भून के लेने के लिए। इसे रोस्ट हो गया है, इसे अब हम पैन से निकाल लेते हैं। इस पे ऐसे मार्क्स आ जाएंगे यानी कि ये हमारा हो चुका है सेम। पैन को मैंने खाली कर दी हूँ। अब इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, एक छोटा स्पून तेल डालेंगे हम। और इस तेल में हम ये सूखी लाल मिर्ची है ये डालेंगे। ये 30 से 40 लहसुन के जवे है ये डालेंगे। और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे, रंग चेंज कर देंगे। हमें 3 से 4 मिनट लगेगा इसे भी करने के लिए। ये सेंग के हम हल्के हल्के से इसके छिलटों को ऐसे करके निकाल लेंगे। पूरे नहीं निकालना है, हल्का हल्का ही निकालना है। देखिए हमारे लहसुन भी फ्राई हो गए, सूखी लाल मिर्ची भी फ्राई हो गई। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे आप ठंडा कर लेंगे। अब देखिए हमारे सेंग के मैंने हल्के हल्के से छिलटों को निकाल दी हूँ। इसे अब हम मिक्सर के जार में डालेंगे। ये सूखी लाल मिर्ची और ये लहसुन भी इसी में डाल देंगे हम। बिना पानी के इसे सूखा ही हम पीस लेंगे, पीसना ही इसे, पानी नहीं डालना है इसमें। ये आराम से पीसे जाएगा, हमने फ्राई करके लिए है इसलिए। ये हमारा पीस के हो गए, हमें एकदम पाउडर नहीं बनाना है। हमने इसे जड़ा मोटा पीस लिए है। अब हम एक पैन रखेंगे, हम वही पैन वापस से रख रहे हैं। इस पैन में अब हम एक चम्मच तेल डालेंगे और तेल को अच्छे से अब गर्म करके लेंगे। तेल में जैसे हमारा तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें एक चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को अच्छे से क्रैकल करके लेंगे। देखिए हमारा जीरा क्रैकल हो चुका है। अब इसमें हम ये देखिए हमें पूरी सेंग को इसमें डाल दिए, ग्राउंडनट्स को। हमें इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें इसे अगर 15 से 20 दिन तक के लिए रखना है, महीना भर के लिए रखना है, तो इसमें ज़रा भी हमको पानी नहीं डालना है। ये मैं नमक डाल रही हूँ इसमें, आप आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। और इसे अब हम फ्राई करेंगे। मैंने एक चम्मच नमक डाली हूँ, आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। अब इसे हम धीरे धीरे पकाएंगे अच्छे से। इसे फ्राई करते हुए मुझे 5 मिनट हुआ है और हमें चूल्हे को स्लो ही रखना है। हमें इसे धीमी आंच पे फ्राई करना है। 12 से 13 मिनट लगेगा इसे फ्राई होने के लिए। आंच बिल्कुल फास्ट नहीं करना है, नहीं तो हमारा जल जाएगा ये चटनी। देखिए इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है, और थोड़ा सा हम कलर चेंज करेंगे इसका। ये पकाते हुए मुझे हो गए हैं 12-13 मिनट हो चुके हैं। इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है, ये हमारा रेडी हो गया है। इसे हम ठंडा कर लेंगे। देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दी हूँ, अब इसे हम ठंडा करेंगे और एयरटाइट कंटेनर में इसे आप निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे एयरटाइट कंटेनर में निकाल ली हूँ ठंडा करके। इसे हम इस तरह से एयरटाइट कंटेनर में भर के पैक करके रख देंगे। जब हमें ज़रूरत रहेगी हम उसमें से थोड़ा सा निकालेंगे अपने खाने के इस्तेमाल के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।